नमस्ते। आज हम अपेक्षाओं के ऊपर बात करेंगे। अपेक्षा माने एक्सपेक्टेशन, व्हाट इट डज टू अस, फुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस, हाउ टू डील विद देम, दैट विल सी इन टुडेज टॉक। इसी तरह से इस चैनल पर मैंने कुछ वीडियोस पोस्ट किए हैं जो जीवन शैली, हमारी संस्कृति और जीवन कौशल्य पर आधारित है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको समय समय पर इसके नोटिफिकेशन आते रहे। फर्स्ट वी नीड टू लुक इन टू इट, वॉट इज एक्सपेक्टेशन। अपेक्षा है क्या? इट इज नथिंग बट अवर डिमांड फ्रॉम फ्यूचर। एवरी एक्सपेक्टेशन गिव्स अस प्रॉमिस टू बी हैप्पी इन द फ्यूचर, बट इट डजंट डिलीवर। जहां पर भी हम जाते हैं जीवन में, अपनी अपेक्षाओं को ले जाते हैं। बैक ऑफ द माइंड वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अवर ओन एक्सपेक्टेशन। वी डोंट ट्रीट पीपल एज पीपल, वी सी देम एज एक्सपेक्टेशंस। नोइंगली अनोइंगली किसी को देख के ही हमारे भीतर जागृत हो जाते हैं अपेक्षाएं, और हमारे अपेक्षाओं के वजह से ही आज हम पीड़ित है, दुखी है, त्रस्त है जीवन में। सो हाउ टू डील विथ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वॉट इज एक्सपेक्टेशन? एज आई टोल्ड यू, अवर ओन डिमांड फ्रॉम फ्यूचर, फ्रॉम पीपल। तो उसके साथ कैसे डील करना है? इट इज सेड देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैव टू डील विथ। नंबर वन, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस, एंड नंबर टू इज फुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। सो फर्स्ट वील सी हाउ टू डील विथ अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। यदि कोई व्यक्ति हमेशा हमें हंसाता है, थोड़ा फनी है, उनको देख के उस दिन भी, उस वक्त भी हम ये मन में अपेक्षा उठती है आज भी उससे वही बर्ताव रहे, शायद वो व्यक्ति किसी तनाव में हो या दुख में हो, ये हम मानने और जानने को तैयार नहीं होते क्योंकि अपेक्षा हमारे सर पे इतनी हावी हो चुकी है। और फिर हम उस व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, हमारी अपेक्षाओं के एंगल से, चश्मे से देखते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई वी सफ़र, वी फेस प्रॉब्लम्स इन रिलेशनशिप, बिकॉज वी आर कंप्लीटली टेकन ओवर बाय अवर ओन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स। नॉर्मल जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, हमें दुख लगता है, हम दुखी हो जाते हैं, त्रस्त हो जाते हैं उससे। और जब भी हम दुखी हुए हैं, हमारे आसपास हमने दुख ही फैलाया है। लोग औरों को कोसते हैं, औरों को दोषी ठहराते हैं, पर औरों को दोषी ठहराने से हम बलशाली नहीं हो सकते। हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी जो अपेक्षा पूर्ति नहीं हुए उसके लिए। और ये मन में विश्वास रखना चाहिए, देयर इज सम सुपर पावर, वेदर यू कॉल इट गुरु, गॉड और नेचर, हु इज टेकिंग गुड केयर ऑफ मी, एंड वेन एवर आई विल बिकम एलिजिबल, केपेबल इनफ टू हैंडल दैट, इट विल गेट फुलफिल्ड। ये मन में एक शांति लाता है विचार, हमें स्थिरता देता है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो होता रहेगा, मुझसे जो बन पड़े मैं करता रहूंगा। दिस इज द वे वी नीड टू डील विद एक्सपेक्टेशन, रादर अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस। एवरी फुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन गिव्स बर्थ टू 10 अनादर एक्सपेक्टेशंस, एंड दिस गोज ऑन, दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट्स लाइक वेव्स इन द ओशन। एक के बाद एक अपेक्षाएं आई जा रही है, उठती जा रही है अंदर, फिर भी हम तृप्त नहीं है जीवन में। जिसको हम कहते हैं जीवन जीने की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग, व्हाट इज इट? फुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस को बॉदरिंग में बनने नहीं देना, बॉदरेशन बनने नहीं देना, यही तो है जीवन जीने की कला। तो एक दिन एक कुत्ता एक कील पर बैठा था और रोए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। तो दो मित्र थे वहाँ, एक ने कहा, अरे ये क्यों रो रहा है? तो उस मित्र ने कहा, वो तो कील पे बैठा इसलिए रो रहा है। पर वास्तव में यदि हम देखें तो कील उसको इतना जोर से नहीं चुभ रही थी कि वो उठ के चला जाए। यदि हम देखते हैं वास्तविकता में, हर व्यक्ति के साथ ये हो रहा है। अपेक्षाओं से मिलने वाला दुख हमें इस तरह से चुभ रहा है, और हम तब तक उस कील से उठकर नहीं निकलते जब तक वो हमको पूरी तरह से दुखी नहीं कर दे। तो मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, शुड वी गिव अप, शुड वी गिव अवे ऑल ओवर एक्सपेक्टेशंस? नो, दैट्स नॉट द वे। हम मन में यह इच्छा रखना कि मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं होनी चाहिए, यह सबसे बड़ी अपेक्षा है जो हमको दुखी बना सकती है। तो अपेक्षाओं को त्यागना नहीं है हमको, अपेक्षाओं को देखना है हमको। जस्ट लाइक अ विटनेस, द वे वी वॉच मूवी, सेम वे वी हैव टू वॉच, ऑब्जर्व, विटनेस अवर ओन एक्सपेक्टेशंस।
जस्ट बाय विटनेसिंग दिस वन कैन बी एट ईज विद वन सेल्फ बाय हैविंग मेनी एक्सपेक्टेशंस आल्सो. कोई अपेक्षा के बगैर मनुष्य मनुष्य रह ही नहीं सकता, पर यदि अपेक्षाएं हैं तो उसको देखना, उसको विटनेस की तरह एक दर्शक के भाव से देखना बहुत जरूरी है. सो फर्स्ट इज अवेयरनेस एंड बीइंग अ विटनेस टू अवर ओन एक्सपेक्टेशंस. एंड सेकंड वेरी इफेक्टिव टूल हाउ टू डील विद अवर ओन एक्सपेक्टेशन इज सम ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस एंड मेडिटेशन. जितना हम प्राणायाम करें, सांस पर आधारित प्रक्रिया करें, ध्यान करें, उतना आंतरिक शक्ति बल मिलता है हमको. और अपेक्षा हम पे हावी नहीं होते तो हम अपेक्षाओं को आसानी से देख सकते हैं, झेल सकते हैं, उनके साथ डील कर सकते हैं. सो आज का टेक अवे क्या है? ह्यूमन बींग इज नॉट अ ह्यूमन बींग विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. वी आर नॉट हियर टू ड्रॉप अवर एक्सपेक्टेशंस. वी आर हियर जस्ट टू विटनेस अवर एक्सपेक्टेशन विथ अवेयरनेस, विथ हाइटन्ड अवेयरनेस. एंड हाउ वी विल गेट दिस स्ट्रेंथ इन एडवर्स सिचुएशन ऑल्सो टू बी अवेयर एंड अलर्ट. Meditation and some breathing practices give us that inner strength to deal with expectations. Today we have discussed about expectations and how to deal with expectations. You are more than welcome to post a comment and feel free to write questions in comment section. Namaste.